सो है कैसे क्या चल रहा भाई। तो आज हम लोग फिर से एक बार खेल रहे हैं GTA 5। तो आप लोग को याद होगा लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने यार एक कार शोरूम रेंट पे लिया है। पहले हम लोगों ने प्लान बनाया था कि यार कार शोरूम को ना खरीद ही लेते हैं, पर भाई लॉस सांटोस में सारी चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव है कि कार शोरूम खरीदने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। इसीलिए गाइज अभी हम लोगों ने प्लान किया है कि यार एक कार शोरूम को रेंट पर ले लेते हैं, उसे अच्छे से चलाते हैं, फिर पैसे वगैरह करके कार शोरूम खरीदेंगे, भाई बिजनेस करेंगे, पैसे कमा रहे हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को एक लाइक शुरू कर देना और चैनल पर ना तो चैनल को और सब्सक्राइब करो ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस के लिए। बाकी गाइस अभी ना मैं यार घर पे आ रखा हूँ और मेरे पास सनी का कॉल आया था। सनी बता रहे हैं कि यार वो कार शोरूम पे पहुंच चुका है, वहां पे ना थोड़ा साफ सफाई का काम चल रहा है। आज हम लोग उसे अच्छे से क्लीन कराएंगे, वहां पे गाड़ियां वगैरह लेकर आने वाले हैं। वैसे यार देखो अपने पास जो सेकेंड हैंड वाली गाड़ियां हैं ना वो ज्यादा नहीं बची हैं, तो वहां पे ना नई गाड़ियां भी लाएंगे। शायद सनी ने कुछ गाड़ियों का ऑर्डर दे दिया था, तो भाई आज मेरे को सारी चीजें देखनी है। तो फटाफट से ना भाई कार शोरूम पे निकलते हैं, क्योंकि अभी ना हमारे पास गराज नहीं है भाई, पूरा का पूरा कार शोरूम है। और ना कार शोरूम के अंदर गराज भी है, दोनों चीज़ें हैं। बाकी सनी और लूना तो अंदर के साइड ही हैं। मैंने उनको बोला कि अगर तुम्हें टाइम मिलता है ना तुम लोग भी लॉस सांटोस आओ यार, चल के अपना कार शोरूम देखो। और हाँ कार शोरूम के लिए गाइस सिक्योरिटी का इंतजाम करना है, क्योंकि आप लोग को पता है कि वो कार शोरूम हमें काफ़ी कम रेट पर मिल गया है, पर वो है कहाँ पर, एक गैंग वाले एरिया में। वहाँ पे ना भाई बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो इसीलिए सिक्योरिटी वगैरह रखनी पड़ेगी तगड़ी तरीके से, ताकि कोई भी लफड़ा होता है तो सिक्योरिटी से कभी भी संभाल ले। तो फटाफट से गाइस अपनी फॉर्चूनर को भगाते हैं, जल्दी से चलते हैं और चल के देखते हैं कि कार शोरूम पे काम क्या चल रहा है। तो अभी मैं यार अपनी फॉर्चूनर को लेकर गाइस सिटी में आ चुका हूँ और अभी मैं सीधे जा रहा हूँ अपने कार शोरूम की तरफ एंड देखते हैं वहाँ पे काम कैसा चल रहा है। वैसे कार शोरूम का ना यार देखो सारा काम सनी ने संभाल लिया है, उसे गराज चलाने का एक्सपीरियंस तो है, कार शोरूम भी वो चला ही लेगा। हम लोगों ने मैकेनिक वगैरह को भी कॉल कर दिया था, भाई वो लोग भी एक बार आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग गाड़ियाँ भी रिक्वायर कर सकते हैं एंड साथ में गाड़ियाँ सेल भी कर सकते हैं। ओके तो गाइज ये रहा तुम लोग देख सकते हो अपना कार शोरूम। फटाफट से काम करते हैं, गाड़ी को साइड में लगाते हो और यहाँ पे चेक करो गाइज तुम लोग, यहाँ पे एक ट्रक खड़ा हुआ है। भाई इसके अंदर इतना ज़्यादा कूड़ा कबाड़ निकला है, देख रहे हो कार शोरूम के अंदर से। यहाँ पे पूरा इसको यहाँ पे रखवा दिया है, ये वैन किसकी है मेरे को नहीं पता। अच्छा अंदर गाइस काम वगैरह चल रहा है, एक गार्बेज ट्रक यहाँ पे भी है, भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे काम वगैरह चल रहा है। मैं काम करता हूँ, फटाफट से अंदर चलता हूँ एंड चल के ना सनी से बात करते हैं। ओके कार शोरूम पूरा का पूरा क्लीन लग रहा है भाई, ऐसा लग रहा है पूरा साफ सुथरा कर दिया है। देखो सारे लोग लगे पड़े हैं, अच्छा ही है यार। देखो इसे चमका रहे हैं, उसके बाद हम लोग गाड़ियाँ वगैरह लेकर आएंगे। और कार शोरूम का काम वाम कैसे चल रहा है फिर? अरे बढ़िया चल रहा है काम तो, इन सब लोगों ने ना जल्दी जल्दी साफ सफाई वगैरह कर दी। बाकी तुम्हें बाहर ट्रक दिख रहे वो? हाँ देखा मैंने बाहर ट्रक जो खड़ा हुआ है। हाँ बस इतना कूड़ा कचरा निकला है इसके अंदर, क्योंकि काफी टाइम से ना ये बंद था। अबे चल कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे को ये तो बता गैंग वालों ने परेशान तो नहीं किया भाई, गैंग है जो आसपास? अरे हाँ गैंग से याद आया, जैसी पता है मैं यहाँ पे आया था ना और ये बंदों को मैंने यहाँ बुलाया सबको, हाँ तो चारों तरफ से पता है गैंग वाले आ गए थे जो आसपास वाले हैं। अबे क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई क्या? प्रॉब्लम अभी तो उनने कुछ नहीं करी है, लेकिन मैंने वो लोग पूछताछ कर रहे थे और पूछ रहे थे भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। अबे उन्हें बोल देना कार शोरूम हो रहा है। बाकी यार मुझे लगता है ना यहाँ सिक्योरिटी वगैरह देख लगानी पड़ेगी, बिना सिक्योरिटी के लफड़ा हो सकता है यहाँ पे। हाँ वो तो लगानी पड़ेगी यार सिक्योरिटी, क्योंकि नहीं तो फिर ये जो गैंग वाले हैं ये लोग फिर खाली में इधर ड्रामा करेंगे आके, बार बार लफड़ा करेंगे कुछ ना वही कुछ। तो, मैं ना यार मिस लैला को भी कॉल करता हूँ, देखता हूँ अगर वो आती है तो फिर उसका भी पता करते हैं। बाकी क्या फिर सोचा है तूने, पुरानी वाली गाड़ियाँ यहाँ पर लेकर आएंगे या फिर नई गाड़ियाँ आ रही हैं? यार पता है नई गाड़ियों का तो मैंने अभी ऑर्डर दिया नहीं है, खाली मैंने उससे बात करी थी, तो जो लिबर्टी सिटी वाला बंदा है जहाँ से हमने गाड़ियाँ खरीदी थी, हाँ वो कह रहे थे तुम बता देना तुम्हें जोन सी भी कार चाहिए है। लेकिन उन कार को मंगाने से पहले ना हमारे पास अभी सिर्फ 4 या 5 गाड़ियाँ बची हैं जो कि वहाँ पार्किंग में लगी हुई हैं। तो एक काम करते हैं ना, उन गाड़ियों को यहाँ पे लेकर आते हैं और तू भाई उसको ऑर्डर दे, बोल गाड़ियाँ मंगवा भाई, 10-15 गाड़ियाँ तो कम से कम मंगवा ही ले। हाँ इतनी तो हमें देखो चाहिए होंगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा शोरूम है यहाँ पे, काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ जाएंगी। तो तू उसे ऑर्डर वगैरह दे, मैं जा रहा हूँ पार्किंग में, देखता हूँ वहाँ से कोई इंतजाम होता है तो गाड़ियाँ यहाँ भेजता हूँ, ठीक है? ठीक है चलो वहाँ तुम जाके इंतजार, या फिर एक काम करो ना कोई ट्रक जो बड़ा वाला ट्रक होता है वो मंगा के यहाँ भिजवा दो गाड़ियों को। हाँ वहाँ जाके देखता हूँ एक बार, वहाँ पे कितनी गाड़ियाँ एक बार देख भी लूँ, और सिक्योरिटी का भी देखना पड़ेगा ना। हाँ और वहाँ भी तो हम लोग ने सिक्योरिटी गार्ड खड़े करे थे, जो उन्हीं को यहाँ पे ना ले आए या फिर दूसरे हाँ सिक्योरिटी गार्ड मैं करे। यही सोच रहा हूँ कि उन्हीं सिक्योरिटी वालों से बातचीत करके ना उन्हीं को यहाँ बुला लेते हैं, हाँ क्योंकि वहाँ के लिए तो हमने उन्हें हायर किया ही था। वही तो इसीलिए यहाँ रख लेंगे उन्हें, वो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ चलो ठीक है फिर बात करके मुझे बताना जैसा भी है। ठीक है ठीक है ठीक है चल। तो गाइस देखो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, ये कार शोरूम गैंग वाले एरिया में है। जैसे उन्हें पता चला यहाँ पे कार शोरूम ओपन हो रहा है, भाई सीधे पैसे वैसे के चक्कर में आए होंगे वो। देखो सामने भी कुछ लोग खड़े हैं, हम लोग ना इन्हें मार के यहाँ पे लफड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि यार गराज भी ऐसे ही बंद हुआ था, तो मुझे इन्हें मारना नहीं है, पर हाँ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
तो पहले तो देखो सिक्योरिटी लगाएंगे, अगर प्यार से मान जाते हैं तो ठीक है, मिस लैला से बात करेंगे, मुझे पता है भाई मिस लैला तो कंट्रोल कर लेगी इन्हें। तो एक बार निकलते हैं चल के अपने गराज पे, देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ पे कितनी गाड़ियाँ हैं, और वहाँ की ना सारी गाड़ियाँ फिलहाल गाइस अब यहाँ भेजने वाले हैं, और जो सिक्योरिटी है ना उसको भी यहीं पे रखेंगे। वैसे मुझे पता है दो तीन सिक्योरिटी वाले कुछ कर नहीं पाएंगे, सिक्योरिटी का थोड़ा इंतज़ाम करना पड़ेगा यार। आज मुझे ना बैंक जाके पैसे वगैरह भी निकालने हैं, क्योंकि अपने पास देखो पैसे तो हैं सारे के सारे बैंक में रखे हुए हैं। फटाफट से काम करते हैं, निकलते हैं गाइस अपनी पार्किंग की तरफ। तो अभी मैं यार अपनी फॉर्चुनर को लेकर गाइस पार्किंग की तरफ पहुंचने वाला हूँ, और जल्दी से चल के देखते हैं वहाँ पे कितनी गाड़ियाँ हैं। वैसे सनी बता रहा था कि चार पांच ही गाड़ियाँ हैं, क्योंकि अपना गराज का काम ना काफ़ी बढ़िया चल रहा था यार, गलती वहाँ पे लफड़ा हो गया। अगर लफड़ा नहीं होता ना तो भाई वहाँ से भी हम लोग पैसे तो कमा रहे थे। पर चलो अच्छा है यार, लड़ाई होने के बाद वहाँ कम से कम हम लोगों ने कार शोरूम ओपन तो कर लिया। ओके गाइस ये रही अपनी पार्किंग, फटाफट से फॉर्चुनर को अंदर लेकर चलते हैं। अबे हट जा भाई, देख रहे हो सामने से जा रहा है, अपने सिक्योरिटी वाले भी गाइस सामने के साइड ही खड़े हैं। एक काम करता हूँ गाड़ी को यहाँ पे रोकता हूँ, एंड फटाफट से इन दोनों से बात करते हैं। और भाई सब कुछ ठीक चल रहा है ना यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके तो बोल रहे हैं कि सर नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें एकदम बढ़िया चल रही है। चलो बढ़िया यार, ऐसे ही तुम लोग काम वगैरह करते रहो। बाकी सामने के साइड मेरे को गाइस गाड़ियाँ तो नज़र आ रही हैं, तुम लोग यहाँ पे चेक करो। ओके दो यहाँ पर हैं, ऐसी चार ही गाड़ियाँ बची है भाई, सारी गाड़ियाँ सनी ने भेज दी। यार मैं उससे ना कुछ दिनों पहले बात ही कर रहा था कि गाड़ियाँ ना अपने पास बहुत कम है, और उसने सेल भी कर दी। चलो ये चीज़ बढ़िया है यार, अभी अपने पास थोड़े पैसे भी हो चुके हैं, अभी ना नई गाड़ियाँ मंगा लेंगे। मैं काम करता हूँ फटाफट से ना सिक्योरिटी वालों के पास चलता हूँ। देखो सिक्योरिटी मेरी बात सुनो, मैं ना तुम्हें एक लोकेशन दे रहा हूँ, और यहाँ पर ना एक ट्रक भेजने वाला हूँ, ये चारों गाड़ियाँ जो पीछे खड़ी हैं उनको लोड करके उसी लोकेशन पे पहुँचो। आज से ना तुम्हें यहाँ सिक्योरिटी नहीं देनी है, तुम्हें दूसरी जगह देनी है, क्योंकि हमने नया कार शोरूम खोल लिया है, ठीक है ना? ओके तो बोल रहे हैं ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहाँ चले जाएंगे। बाकी गाइस ट्रक वगैरह का मेरे को इंतजाम करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, उस बंदे का मेरे पास नंबर है जहाँ से हम लोगों ने पहले ट्रक लिए थे, उसे ना फटाफट से मैं कॉल लगाता हूँ। तो अभी मैंने उस बंदे को यार कॉल कर दिया है गाइस, यहाँ की लोकेशन बताई है। अच्छी चीज़ ये है कि उसका एक बंदा सिटी में ही है, बोल रहा है कि मैं बस तुम्हें कुछ ही देर में भेजता हूँ। बाकी गाइस अभी मेरे पास ना डॉन की सिक्योरिटी का कॉल आया भाई, मैरी वेदर का कॉल आया कि डॉन ने मुझे मेंशन पे बुलाया है। पहले तो मैं शॉक ही हो गया यार, इतने दिन बाद डॉन ने मेरे को कॉल किया है, और भाई अभी डॉन ने कॉल किया है इसका मतलब भाई पैसे कमाने का टाइम है, अभी मेरे को चलना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी भाई ट्रक आने वाला है, जैसे ट्रक आता है गाड़ियाँ लोड कराओ, एंड फटाफट से तुम लोग यहाँ से निकलना। मैं यहाँ से निकलता हूँ गाइस, सीधे चलता हूँ डॉन के मेंशन पे, एंड चल के देखता हूँ, मुझे लगता है डॉन आ गया होगा। और एक सेकंड गाइस, वो देखो भाई ट्रक के मालिक से बात हुई थी, वो बोल रहा था कि उनका ट्रक सिटी में ही कहीं पे गया है, और ये आ भी गया। एक काम करता हूँ इसको बोल देता हूँ कि भाई तू अंदर के साइड लेकर चल, एक सेकंड फटाफट से देखना पड़ेगा बंदा है कहाँ पे, इतना बड़ा ट्रक लेकर आया। ओके तो भाई मैंने यहाँ पे ट्रक बुक करा है, अंदर के साइड ना कुछ गाड़ियाँ खड़ी है, चार गाड़ियाँ लेकर जानी है और दो सिक्योरिटी वाले। भाई कुछ ज़्यादा ही बड़ा ट्रक नहीं ले आया ये? चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू ले जा, पेमेंट वगैरह मैं तेरे बॉस को कर दूंगा। हद है भाई, देख रहे हो कितना ज़्यादा बड़ा ट्रक लेकर आया ये। चलो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, अपना काम हो जाएगा, पेमेंट वगैरह तो मैं उस बंदे को कर ही दूंगा ऑनलाइन। मैं एक काम करता हूँ अभी फिलहाल डॉन के पास चलता हूँ, शायद डॉन लॉस सैंटोस में वापस आ चुका है, तो मेरे को गाइस उससे मिलना भी चाहिए चल के, क्योंकि उसके साथ अगर काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, और बहुत जल्दी वो लग्जरी वाला कार शोरूम भी लेना है, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने बस बिजनेस की शुरुआत की है। तो एक काम करते हैं फटाफट से चलते हैं, और चल के गाइस डॉन से बातचीत करते हैं। तो अभी मैं यार अपनी फॉर्चुनर के लेके गाइस डॉन के मेंशन पे पहुंचने वाला हूँ, जल्दी से चल के यार डॉन से मिलते हैं। वैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा कि डॉन ने मुझे खुद कॉल क्यों नहीं किया भाई, उसके सिक्योरिटी वालों ने कॉल किया था। चलो हो सकता है यार डॉन बिजी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चल के उससे मिल लेते हैं। फटाफट से गाइस मेंशन के अंदर चलो, और एक सेकेंड भाई आज गेट पे सिक्योरिटी नहीं खड़ी, अभी क्या सीन हो गया, यहाँ तो कोई है ही नहीं भाई, सिक्योरिटी के नाम पे बस कुछ ही लोग खड़े हैं। एक मिनट फॉर्चुनर को यहाँ पे लगाओ, एंड वो देखो उस बंदे ने मेरे को कॉल किया था जो वहाँ पे खड़ा है, फटाफट से उससे बात करता हूँ। हेलो अबे यहाँ पे कहाँ गए भाई सारे लोग, और डॉन कहाँ पे है, पूरी की पूरी जगह खाली है। ओके तो ये बता रहा है कि यार एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, और इसी ने मेरे को कॉल करके बुलाया है, बोल रहा है कि यार डॉन यहाँ पर है नहीं, वो लॉस सैंटोस के बाहर है, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, FIB यहाँ पर रेड करने वाली है, इसीलिए पूरे के पूरे मेंशन को खाली कर दिया है, जितना भी यहाँ पे पैसा था गाड़ियाँ थी सिक्योरिटी सब कुछ हटा दिया है। भाई FIB वाला तो उसका दोस्त था ना डॉन का, उसका क्या हुआ? ओके
ये बता रहा है कि भाई उसको एफआईबी ने अरेस्ट कर लिया है, किसी ने हमारे नाम कंप्लेन कर दी थी, डॉन भी लॉस सांटोस में नहीं था, तो काफी सारी कंप्लेन होने के बाद डॉन के नाम भी काफी केस हो गए, अच्छा रहा वो यहाँ पे नहीं है, नहीं तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता कुछ टाइम के लिए, एंड एफआईबी वाले कुछ ही देर में यहाँ पे रेड करने आने वाले हैं, अगर उन्हें रोका नहीं तो हमारा बहुत नाम खराब होगा। तो भाई मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तूने मेरे को कॉल क्यों किया है? ओके, एफआईबी की बिल्डिंग में जाना है? अबे ये क्या बोल रहा है तू भाई, तुम लोग इतने ज्यादा सिक्योरिटी वाले हो, तुम पे इतनी पावर है, तुम लोग नहीं कर रहे भाई, मुझे क्यों फंसा रहा है भाई इसमें? ठीक है हाँ मुझे पता है पैसा तुम लोग मेरे को मुंह मांगा दोगे, पर फिर भी भाई बहुत रिस्क है, पुलिस तो हट, पुलिस अलग चीज है, एफआईबी से पंगा लेना भाई मैं अरेस्ट हो सकता हूँ, इसमें बहुत रिस्क है। ओके, तो सिक्योरिटी वाला बोल रहा है कि इसको डॉन नहीं बोला था मेरे को कॉल करने के लिए, और डॉन ने बोला है कि अगर ये काम कर दिया तो मुंह मांगा पैसा देगा जितना भी मेरे को चाहिए, इतना पैसा कि दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा। गाइस ये पैसा ना किसी दिन सच्ची में मेरे को फंसाएगा, मतलब यार मेरा करने का मन तो नहीं है। ठीक है काम क्या करना है मेरे को ये बता। ओके ठीक है चल ठीक है मैं करने को तैयार हूँ, पर याद रखना पैसा उतना देना पड़ेगा जितना मैं मांगूंगा। ठीक है तो गाइस अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, मेरे को काम क्या करना है मैं आप लोग को बता देता हूँ, मुझे एफआईबी बिल्डिंग में घुसना है आज रात को, एंड वहाँ से मुझे डॉन के खिलाफ जितने भी केस है जो फाइल है रिकॉर्डेड है वो लेकर आने हैं, एंड उनके सर्वर को उड़ाना है ताकि डॉन के नाम कोई भी कंप्लेन ना हो, एफआईबी वाले यहाँ पर रेड करेंगे तो सारे लोग फंस जाएंगे, डॉन भी प्रॉब्लम में आ गया है क्योंकि उसे ना काफ़ी सारे लोगों ने फंसा दिया, उसके जितने भी दुश्मन हैं भाई उन लोगों ने फ़ायदा उठाया क्योंकि डॉन यहाँ पे था ही नहीं, अगर वो होता तो सारी चीज़ें संभाल लेता, एंड ये सिक्योरिटी वाला बोल रहा था कि डॉन का जो भाई है वो भी अंडरग्राउंड हो गया है, इसीलिए ये काम बस मैं कर सकता हूँ। हद है यार देखते हैं, और वो देखो गाइस सिक्योरिटी वाला यहाँ से निकल गया है, भाई देखो काम में पैसा तो बहुत मिलेगा पर गाइस बहुत ज़्यादा रिस्क है यार, अगर मैं पकड़ा गया उनको जेल भी हो सकती है, और वो भी पुलिस वाले नहीं एफआईबी पकड़ेंगे तो पता नहीं कौन सी जेल में डालने वाले हैं भाई, बहुत तगड़ा सीन हो जाएगा। पर गाइस अगर मैंने ये काम कर दिया तो जो लग्जरी ऑटो है 40 करोड़ का हम लोग उसे आसानी से खरीद सकते हैं, और रेंट पे हमें कार शोरूम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फ़ायदा भी होगा पर रिस्क भी इसमें उतना ही ज़्यादा है। तो अभी गाइज मैं ये सोच ही रहा था कि यार मैं ये काम करूंगा कैसे, और अचानक से मेरे पास डॉन के सिक्योरिटी वाले का कॉल आया, बोल रहा है कि तुम जाकर एक बंदे से मिलो जो एफआईबी में काम करता है, वो तुम्हारी इस काम में हेल्प करेगा, वो तुम्हें प्लान वगैरह भी समझाएगा और सारी चीज़ें तुम्हें खुद करनी पड़ेंगी। तो गाइज चलो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है कि यार ये काम मेरे को अकेले नहीं करना है, कोई बंदा तो है जो इस पर मेरी हेल्प करने वाला है, तो मैं एक काम करता हूँ सीधे चलता हूँ उसके घर की तरफ, वो मेरे को अपने अपार्टमेंट में ही मिलेगा, उसका नंबर फोटो वगैरह मेरे को उसने भेज दिया है, तो चल के फटाफट से गाइस उससे मिलते हैं एंड पता करते हैं कि ये काम करना कैसे, और वो एक एफआईबी का एम्प्लॉय या शायद, या फिर हो सकता है वहाँ पर काम करने वाला कोई वर्कर वगैरह हो, जो भी हो यार मुझे बस हेल्प की ज़रूरत है क्योंकि पहले मैंने कभी ऐसा काम किया ही नहीं है भाई, लॉस सांटोस के पुलिस स्टेशन में मैं कई बार घुसा हूँ पर एफआईबी बिल्डिंग पहली बार हो रहा है, फटाफट से काम करते हैं उसके अपार्टमेंट में चलते हैं। तो अभी मैं यार अपनी फॉर्च्यूनर को गाइस भगाते भगाते उस लोकेशन पे पहुंचने वाला हूँ जहाँ पे मेरे को उस बंदे से मिलना है, पहले मैं उसके अपार्टमेंट में जाने वाला था, फिर मैंने उसे अच्छा रहा कॉल कर दिया तो उसने मेरे को एक और लोकेशन बताई, एंड मैं अभी सीधे उससे वहीं पर मिलने जा रहा हूँ, वो शायद गाइस किसी रेस्टोरेंट की लोकेशन है, एंड मेरे को थोड़ा और आगे जाना है, वैसे ये बंदा गाइस लॉस सांटोस में रहता है पर उसने मेरे को यहाँ पर बुला रखा है, तुम लोग सामने देखो ये रहा रेस्टोरेंट। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ फटाफट से पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा देता हूँ, और एक सेकंड गाइस वो तो नज़र ही नहीं आ रहा है कहाँ पे, मैंने तो गाड़ी यहाँ पर लगा दी है, उसने पार्किंग में मिलने के लिए बोला था ना, एक सेकंड वो रहा देखो नीचे, मैं यहाँ से चम मारता हूँ, अबे ये तो इतना ज़्यादा नीचे खड़ा, हाँ भाई देख लिया देख लिया देख लिया मैंने, आ रहा हूँ मैं। ओके, ये तो कोई ऑफिसर ही लग रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं ऐसे बातचीत करते हैं, हेलो सर, तो मेरे को डॉन की सिक्योरिटी वालों ने भेजा है। ओके, तो बोल रहे हैं हाँ भाई मैंने पहचान लिया, उन लोगों ने मेरा फोटो भी भेज दिया था। ठीक है तो ये बता रहे हैं कि यार देख ये काम तेरे को रात को करना है और मैं इसमें तेरी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगा, ठीक है आप बोलते जाओ कि मेरे को काम कैसे करना है और एफआईबी में मैं एंट्री कैसे करूँगा। ओके, तो बोल रहे हैं कि यार देखो फ्रंट गेट से एंट्री करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये काम तो कभी नहीं हो पाएगा क्योंकि नीचे ना यार बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, तो ये बोल रहे हैं कि जो सबसे टॉप फ्लोर है मतलब जो सबसे ऊपर वाला बिल्डिंग का हिस्सा है वहाँ से तेरे को एंट्री करना है, वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरा है मैं उन्हें बंद कर दूंगा, एंड थोड़ी देर के लिए वहाँ पे लाइट ऑफ करके तू अंदर आ जाना, उसके बाद सारी चीज़ें मेरे को संभालनी है, ये बोल रहा है कि थोड़ी देर के लिए तो एफआईबी की सिक्योरिटी को रोक सकता है, उसके बाद भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है तो मैं एंट्री कैसे करूँगा? ओके, हेलीकॉप्टर से, उसका इंतज़ाम भाई मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है, ठीक है
तो बोल रहा है हेलीकॉप्टर वगैरह सब मिल जाएगा, पायलट तेरे को FIB की बिल्डिंग के ऊपर छोड़ेगा, तुझे जंप मारना है और पायलट तेरे को लेने भी आ जाएगा। ठीक है तो मैं रात को ये काम कर दूंगा, बस याद रखना कैमरे लाइट सब ऑफ कर देना, बाकी टेंशन की बात नहीं है। हाँ मैं वेपन्स का इंतज़ाम कर लूँगा, बोल रहा है कि भाई वेपन और आर्मर का इंतज़ाम कर ले, क्योंकि FIB की बिल्डिंग भाई मौत का कुआं है, एक बार अंदर गए तो बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गाइस ये चीज़ मेरे को भी पता है, देखो पुलिस वालों से लफड़ा लेना एक अलग चीज़ है, पर FIB की बिल्डिंग के अंदर जाना है कोई दिक्कत नहीं है। रात के टाइम मैंने भी सोचा था एंटर करने का, एंड वो बंदा भी बोल के गया है कि भाई रात को आना, चलो कम से कम ये मेरी मदद तो करने वाला है। बाकी मुझे नहीं पता कि भाई मैं बाहर आ पाऊँगा नहीं आ पाऊँगा, और इस बारे में किसी को बता भी तो नहीं सकता। भाई सन्नी को बताया वो भी काम करने को मना कर देगा, भाई डर जाएगा वो, इससे अच्छा है कि काम अकेले ही करते हैं। देखते हैं भाई, अगर काम हो गया तो कार शोरूम समझो अपना ही है। बाकी मैं जा रहा हूँ अपने अभी भाई दोस्त के पास, वेपन डीलर के पास, एंड चल के उससे वेपन आर्मर वगैरह ले लेते हैं। लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने उसकी हेल्प की थी वेपन लाने में, चल के फटाफट से उससे भी मिलते हैं। तो अभी मैं यार अपनी फॉर्चूनर को लेकर यार वेपन के डीलर के पास पहुंचने वाला हूँ। अभी ना इससे मेरे को खतरनाक वाले तगड़े वाले आर्मर चाहिए, और गाइस काफ़ी सारी मेरे को वेपन वगैरह भी चाहिए होंगे, क्योंकि FIB वाली बिल्डिंग में जा रहा हूँ और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वहाँ पर कोई लफड़ा ना हो। एक काम करते हैं फटाफट से गाइस फॉर्चूनर को साइड में लगाता हूँ, और इससे भी पता करना पड़ेगा यार गैंग के साथ इसका पंगा हुआ था उसका क्या मैटर हुआ, कि गैंग वालों ने अटैक तो नहीं कर दिया। वैसे हमने गाइस गैंग को सबक तो बहुत ही तगड़ा सिखाया था भाई, सारी की सारी गैंग को ख़त्म कर दिया। एंड वो रहा देखो अपना दोस्त, और भाई क्या चाल है तेरे, सब बढ़िया ना? पहले मेरे को ये बता कि गैंग वाले तेरे को परेशान तो नहीं कर रहे ना? ओके तो बोल रहा है कि नहीं भाई, उस दिन का सबक उन्हें आज भी याद है, हमने इतनी बुरी तरीके से मारा था कि अभी वो दोबारा यहाँ पर आए नहीं। चल बढ़िया यार, बाकी मेरी बात सुन, मुझे कुछ हैवी वाले आर्मर चाहिए और मेरे को तगड़े वाले वेपन भी चाहिए। तो एक काम कर यार फटाफट से ना कुछ आर्मर वगैरह निकलवा दे, कुछ वेपन वगैरह निकाल दे, क्योंकि मेरे को बहुत ही अर्जेंट काम है। तो बोल रहा है कि यार हैवी वाले आर्मर अंदर के साइड रखे हैं, वो बस अभी लेकर आया। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ ना कम से कम एक से दो आर्मर पहन लेता हूँ, एंड जितने भी तगड़े वाले वेपन्स हैं ना सारे ले लेता हूँ, क्योंकि उनकी ना मेरे को ज़रूरत पड़ सकती है। तो अभी मैंने यार काफ़ी सारे आर्मर वगैरह देखे, गाइस दो आर्मर मेरे को पसंद आया तो मैंने वो दोनों आर्मर ले लिए हैं, साथ में मैंने बहुत तगड़े वाले वेपन लिए हैं। सबसे ज़्यादा तो मैंने RPG की यहाँ पे एमओ वगैरह लिए है, बाकी जो अपना दोस्त है भाई वो अंदर काम पे लग गया है, वो देखो बॉक्सेस वगैरह रख रहा है, उसने मेरे से पैसे नहीं लिए। तो अभी मैं एक काम करता हूँ फटाफट से निकलता हूँ गाइस, अपना यहाँ पे काम हो चुका है। मैंने इसे पैसे देने की काफ़ी कोशिश की, पर भाई उस बंदे ने ना मेरे को साफ मना कर दिया कि भाई उसे पैसे नहीं लेने हैं, मैं चाहूँ तो वेपन रखूँ नहीं तो कहीं और से ले लूँ। मैंने बोला कि भाई ले ले यार तेरा बिजनेस है, बट नहीं यार उसने लिए नहीं, क्योंकि मैंने उसकी हेल्प की थी एंड उसके बहुत सारे वेपन भी बचा के लाए थे। तो एक काम करते हैं फटाफट से गाइस फॉर्चूनर को लेते हैं और जल्दी से अभी यहाँ से निकलते हैं। अभी मेरे को रात होने का इंतज़ार करना है, तो मैं काम करता हूँ ना घर की तरफ ही चलता हूँ, एंड रात होते ही फिर सीधे हमें FIB बिल्डिंग पे जाना है। FIB बिल्डिंग में जाने से पहले मुझे उस चॉपर वाले को कॉल भी करना है गाइस, मेरे को नंबर वगैरह मिल चुका है तो मुझे उसे कॉल भी करना है। मैं यार अपनी गाड़ी को भगाते भगाते गाइस अपने घर की तरफ आ चुका हूँ, और अभी मेरे को पता लगा है कि यार सनी ने ना गाड़ियाँ वगैरह भी मंगवा लिया है, कार शोरूम पर अपनी नई गाड़ी आ चुकी है। तो मैंने उसको बोला ठीक है यार मेरे को एक छोटा सा काम है, पहले मैं काम को निपटा दूँ फिर मैं कार शोरूम पर आता हूँ। बाकी एक मिनट यार, गोली की आवाज़ें आ रही है ना, एक सेकेंड, अभी यहाँ कौन गोली चला रहा है? एक सेकेंड, पीछे से आवाज़ आ रही है, एक सेकेंड मैं पिस्टल निकाल लेता हूँ। भाई क्या सीन हो रहा, एक मिनट यार ये तो लूना है ना, अभी ये किस पे गोली चला रही है? अच्छा गाइज यहाँ देखो, यहाँ पे शूटिंग रेंज बना रखा है, यहाँ पे भाई एम की प्रैक्टिस कर रही है। चल बढ़िया है लूना, यहाँ देखो भाई फुल लगी बढ़िया है। वैसे भी आजकल इसके पास कोई काम नहीं है, यहाँ पे इसने शूटिंग का पूरा यहाँ पे सिस्टम बना रखा है, बोल रही है कि बॉस अगर आपके पास टाइम है तो आप भी कर लो। यार देख मेरे पास टाइम तो नहीं है, बट हाँ ठीक है मैं भी यहाँ पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सीधे डायरेक्टली बंदों पे ही प्रैक्टिस करते हैं। और एक मिनट, इसने ये भी लगा रखे हैं क्या? देखो वो देखो भाई स्नाइपर टेस्ट कर रही है, मैं साइड हट जाऊँ कि ऐसा ना हो कि भाई मेरे को ही गोली मार दे। बाकी गाइस अभी ना मेरे को यहाँ पे रात होने तक का इंतजार करना पड़ेगा, रात हो जाए उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। सीधे पहले मैं उस पायलट को कॉल करूँगा जो मुझे FIB बिल्डिंग में छोड़ेगा, एंड उसके बाद देखते हैं कि आखिरकार अंदर घुस के अपने को करना क्या है। तो अभी गाइस इंतजार करते करते यहाँ पे शाम होने वाली है, और अभी मेरे पास उस पायलट का कॉल आया था तो मैंने उसका फ़ोन उठा लिया है, उसने मेरे को एक लोकेशन दिया गाइस, मेरे को वहीं जाना होगा। बाकी तुम लोग देख सकते हो मैंने अभी एक और आर्मर पहन लिया है भाई यहाँ पे फुल सेफ्टी के लिए। लूना को मैंने बोल दिया है कि यार मैं एक ज़रूरी मीटिंग में जा रहा हूँ, इसको मैंने बताया नहीं है। ये बोल रही थी कि बॉस मैं भी चलती हूँ, पर मैंने बोला नहीं यार तू घर पे ही रहे, ये यहीं पे रहेगी,
फटाफट से अभी अपन लोग यहाँ से निकलते हैं, मैं फॉर्चुनर को लेकर जाता हूँ, पार्किंग में किसी लगा दूंगा एंड उसके बाद सीधे हम लोग चलने वाले हैं FIB बिल्डिंग के अंदर। मुझे नहीं पता हम वहाँ से बाहर भी निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, क्योंकि गाइस FIB बिल्डिंग में ना देखो बहुत ज़्यादा खतरा होता है। फटाफट से यार गाड़ी को भगाते हैं, जो का देखा जाएगा अगर वो कार शोरूम खरीदना है तो रिस्क तो अपने को उठाना ही पड़ेगा भाई। रिस्क उठाने से अपने को भाई बहुत पैसे मिल जाएंगे, फिर हम लोग एक क्या कई सारे कार शोरूम ले सकते हैं। फटाफट से गाड़ी को भगाते हैं। तो अभी मैं यार अपनी कार को भगाते भगाते गाइस सिटी में आ चुका हूँ, और यही कि उस पायलट ने मेरे को लोकेशन दी थी, यहीं पर मेरे को बुलाया था। तो फटाफट से काम करते हैं गाइस, उसके पास चलते हैं और देखते हैं चल के आया कि यार वो मेरे को कैसे FIB बिल्डिंग में लेकर जाता है। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है और उसने मेरे को सिटी के बीच में क्यों बुलाया, हेलीकॉप्टर प्लेन कैसे लेकर जाएगा मेरे को नहीं पता, पर उसने मेरे को इस पार्किंग की लोकेशन दी है और मेरे को एकदम टॉप फ्लोर पे जाना है, उसने मेरे को वहीं पे बुलाया है। एक काम करते हैं फटाफट से ना गाइस गाड़ी को लेकर ऊपर के साइड चलते हैं। ओके तो हम लोग ऊपर के साइड पहुँच चुके हैं, और ऊपर जाना है भाई, कितने ज़्यादा फ्लोर है इसके अंदर। ठीक है गाइस मैं टॉप फ्लोर पर आ चुका हूँ, अभी मेरे को उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा। अबे ये खड़ा है सामने, तो मैं एक काम करता हूँ इस वाली गाड़ी को यहाँ साइड में लगा देता हूँ एंड जल्दी से चल के उससे बातचीत करते हैं। भाई हेलीकॉप्टर लेकर आया है। ओके हेलो, तो भाई मेरे को ये FIB बिल्डिंग में जाना है। ओके तो बोल रहा है कहाँ रह गया था भाई, इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया। बोल रहा है कि यार अभी ना हम लोग एक घंटे के अंदर चलने वाले हैं, क्योंकि FIB वाले ना दिन के अंदर एक भी हेलीकॉप्टर आसपास नहीं आने देंगे, तो थोड़ा रात होने के बाद जाना होगा। मतलब ये भी गाइस डॉन का बंदा है, हम लोग को एक घंटे यहाँ और इंतज़ार करना है, थोड़ी रात हो जाए उसके बाद जाएंगे। एंड गाइस देखो वो रही है FIB बिल्डिंग, ये मेरे को बस थोड़ा पास में लेकर जाएगा, मेरे को बिल्डिंग पे जंप मारना है एंड उसके बाद सारा काम मुझे करना है। शायद वो बंदा मेरे को अंदर ही मिलने वाला है जो पार्किंग में मिला था, जो लाइट और कैमरा बंद करेगा वो FIB बिल्डिंग में शायद मेरे को मिलेगा, मेरे को देखना पड़ेगा। और हाँ मैं मास्क भी साथ में लेकर आया हूँ, तो मैं काम करता हूँ फटाफट से पहले गाड़ी के अंदर ना मास्क वगैरह पहन लेता हूँ, क्योंकि बिना मास्क पहने तो गाइज ये काम मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। तो भी यार एक से दो घंटा वेट करने के बाद गाइज अभी पायलट बोल रहा है कि चलने का टाइम हो चुका है। भाई उस ऑफिसर का भी कॉल आ चुका है जो FIB में हमारी हेल्प करने वाला है, जो पार्किंग में मिला था। ठीक है पायलट तू एक काम कर, हेलीकॉप्टर को रेडी कर, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। बस ये हेलीकॉप्टर अच्छे से उड़ा है, बोल रहा है कि FIB बिल्डिंग पे जंप करना है, कहीं और मत कर देना नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी आराम से चलते हैं, कहीं सामने ही देखो FIB बिल्डिंग है, एकदम आराम आराम से मेरे को चलना है एंड चलते हैं देखते हैं भाई क्या सीन होता है। बहुत ज़्यादा खतरा उठा रहे हैं सेफ और सिर्फ गाइज अपने कार शोरूम के लिए, बिजनेस करने के लिए और डॉन के साथ काम करने के लिए, क्योंकि अगर डॉन पकड़ा जाता है ना तो लॉस सांटोस में हम लोग भाई काम किसके लिए करेंगे, दिक्कत हो जाएगी। और डॉन का अगर काम कर दिया तो वो हमें बहुत ज़्यादा अमीर बना सकता है। वो देखो गाइज वो रही सामने FIB बिल्डिंग, काम करता हूँ मैं यहीं से डायरेक्टली जंप कर देता हूँ, मेरा पैराशूट तो है ही ना। बहुत सही, ओके हम लोग एक काम करेंगे FIB बिल्डिंग के ऊपर जाके गाइस जंप करने वाले हैं, कि बहुत सही। मैं थोड़ा सा रिस्क तो उठा रहा हूँ बट मेरे को डायरेक्टली नीचे जाना पड़ेगा। ओके गाइस मैं बिल्डिंग के ऊपर आ चुका हूँ, भाई बच गया, अभी बहुत ही गंदा वाला भाई मैं गिरने वाला था। फाइनली गाइस मैं FIB बिल्डिंग पे आ चुका हूँ, वो गया देखो सामने हेलीकॉप्टर, अगर वो ज़्यादा नीचे लेकर आता तो दिक्कत हो जाती। देखो अपने पास वेपन वगैरह गाइस पूरे हैं एंड मेरे को ना कैसे भी करके एक ग्लास तोड़ के नीचे जाना पड़ेगा। वो ऑफिसर मेरे को यहीं कहीं पे मिलने वाला है, उसने आसपास के सारे कैमरा बंद कर दिए होंगे, अभी मेरे को ना देखना पड़ेगा कि ग्लास मैं तोड़ूंगा कहाँ से। सो अभी गाइस मैंने स्टिकी बॉम लगा कर यहाँ पे ग्लास वगैरह तोड़ दिया है, अभी मेरे को कैसे भी करके नीचे जाना पड़ेगा। पिस्टल मैंने निकाल लिया है, बाकी जो मैंने आर्मर पहन रखा था ना गाइस मैंने वो आर्मर निकाल दिया है, क्योंकि अंदर के जो आर्मर है उसी से काम चल जाएगा। तो एक काम करते हैं अभी ना कैसे भी करके मुझे उस बंदे को ढूंढना होगा, मेरे को इसी फ्लोर में आना था या फिर नीचे की साइड जाना था, इसी में देखना पड़ेगा वो बंदा कहाँ पे। और एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड भाई सुन लो, वहाँ देखो इसने आके लाइटें बंद कर दी हैं एंड साथ में कैमरा भी बंद कर दिए हैं। ओके ऑफिसर तो मेरे को बता कि वो फाइल मेरे को कहाँ मिलेगी, जितने भी डॉक्यूमेंट है जो भी सर्वर वगैरह है मेरे को बता, मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। ठीक है तो ये ऑफिसर बोल रहा है कि बस यहीं तक ये मेरी मदद कर सकता था, अभी मेरे पास सिर्फ 10 से 15 मिनट है, उतने में मेरे को काम करके यहाँ से निकलना पड़ेगा नहीं तो लॉस सांटोस की सारी फोर्स यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है मेरे को करना क्या है मेरे को बस ये बता दे। तो भी मेरी इस ऑफिसर से यार बात हो गई है, बोल रहा है कि यार यहाँ से ना तेरे को फाइल वगैरह लेकर नहीं जानी है, वो मैं लेकर निकल जाऊँगा, तुझे बस यहाँ के सर्वर डिस्ट्रॉय करने हैं, जैसे सर्वर डिस्ट्रॉय होंगे यहाँ से निकल जाना, बाकी सब मैं संभालूंगा। तो ठीक है ऑफिसर मैं यहाँ से नीचे जा रहा हूँ, बोल रहा है कि नीचे थोड़ा संभल के जाना, नीचे बहुत सारे बंदे हैं। तो गाइज जो मैं मास्क लेकर आया था ना फटाफट से पहले मैं पहन लेता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने पहना नहीं है।
उसके बाद मेरे को यहाँ से लिफ्ट पकड़ के गाइस नीचे के साइड जाना है, पर पहले मास्क पहन लिया जाए। तो अभी मैंने मास्क वगैरह लगा लिया और गाइस मैं एक जोकर वाला मास्क लाया था ताकि मेरे को कोई पहचाने ना। फटाफट से घना हाथ में निकालते हैं क्योंकि नीचे बहुत सारे बंदे हैं, उसने बोला है मुझे उन सबको मारना पड़ेगा। एंड एक मिनट, शायद उस बंदे ने यहाँ की लाइटें वगैरह बंद कर रखी हैं इसीलिए ऐसा सीन हो रहा था। फटाफट से नीचे चलते हैं। सो अभी गाइस मैं लिफ्ट लेकर नीचे की साइड आ चुका हूँ और अभी मेरे को थोड़ा संभल के रहना होगा क्योंकि मुझे काफी सारे लोगों की आवाजें आ रही थी। एंड गाइस मैं फाइनली FIB बिल्डिंग में पहुंच चुका हूँ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ओके गाइस 1 to 10 मैं एकदम सही फ्लोर पे आ रखा हूँ एंड मुझे बस सीधे सारे बंदों को मारना है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। यहाँ के CCTV कैमरा बंद है और अगर ओपन भी हुए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने मास्क लगा रखा है। ओके यहाँ पर ऑफिसर जितने भी हो गाइस मेरे को जल्दी से उनका गेम बजाना पड़ेगा। भाई बाहर आ भाई, निकल यहाँ से। बहुत सही, तो गाइस मैंने इनको टपका दिया है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ओके तो गाइस ये रहा देखो सर्वर रूम, मेरे को बस इसे डिस्ट्रॉय करना है, इसका काम मिला है क्योंकि फाइलें वगैरह तो वो बंदा यहाँ से ले जाएगा। कि जितनी ज्यादा मैं स्टिकी बॉम्ब वगैरह यहाँ लगा सकता हूँ सर्वर रूम में वो लगा देता हूँ। और वो देखो गाइस पीछे से और भी बंदे आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसे डिस्ट्रॉय करते हैं। बहुत सही, एक सेकेंड निकलो यहाँ से भाई, इन्हें टपकाता हूँ एंड जल्दी से जल्दी गाइज मेरे को भी यहाँ से निकलना है, मेरा काम हो चुका है, मुझे बस इतना ही काम करना था। बट ये काम बहुत ज्यादा खतरनाक है, गेट पे गाइज पुलिस और मिलिट्री भर भर के खड़ी हो सकती है। तो अभी गाइज मैं लिफ्ट लेके नीचे के साइड आ चुका हूँ, फटाफट से बाहर निकलते हैं। एंड तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बोला था ना भाई बहुत ज्यादा बंदे होंगे, ऊपर की साइड देखो ज्यादा बंदे नहीं थे क्योंकि उसने भाई सारे कैमरा बंद कर दिए थे, सारे सेंसर वगैरह बंद कर दिए, ऑफिसर्स को पता ही नहीं लगा ऊपर हुआ क्या था। बट नीचे जब गोलियों की आवाज आई मुझे पता था भाई लॉबी में यहाँ पर पुलिस और FIB हो सकती है, मिलिट्री भी हो सकती है, बट मैं काफी जल्दी में नीचे आ गया हूँ। भाई यहाँ देखो गाइस, तुम लोग बाहर चेक कर रहे हो, यहाँ पे पुलिस आ चुकी है भाई, जैसे कि मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। मैं RPG लेकर आया हूँ वो भी भर भर के, भाई किसी को नहीं छोड़ूंगा। RPG का इस्तेमाल देखो, मैं RPG का इस्तेमाल मैं अब करने वाला हूँ क्योंकि अभी ना पुलिस के चौपर यहाँ पर आएंगे, मिलिट्री के टैंकर वगैरह भी आ सकते हैं। ओके एक सेकेंड, सबसे पहले इस गाड़ी को मैं उड़ाता हूँ। एंड गाइस मुझे ना किसी पार्किंग एरिया में जाना पड़ेगा जहाँ पे वो बंदा मेरे को लेने आएगा। वो देखो गाइस उसका हेलीकॉप्टर मेरे को नजर आ गया है, उसका हेलीकॉप्टर FIB के आसपास ही उड़ रहा है। वो रहा देखो वो बंदा, एक सेकेंड किसी पार्किंग एरिया में चलता हूँ ताकि वो अपने हेलीकॉप्टर को लैंड कराए और मैं जल्दी से यहाँ से निकलूँ। और वो यार एक मिनट पहले इस हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करो, इसको तो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। इनको एक गाड़ी चाहिए जिससे मैं ऐसे भाग पाऊँगा। एक सेकेंड, कोई गाड़ी आ रही है क्या? वो देखो सामने से गाड़ी आ रही है। अबे भाई उस बंदे ने नीचे गिराने की कोशिश कर ली, उसको पहले मैं होता। अबे ये FIB वाला ही है ना? नहीं नहीं FIB का नहीं है। निकल यहाँ से गाइज, मुझे किसी पार्किंग में पहुँचना पड़ेगा। सामने गाइज मेरे को एक पार्किंग नज़र आ रही है, मैं फटाफट से वहाँ पर पहुँचता हूँ। जैसे ही मैं पार्किंग के ऊपर पहुँच जाऊँगा, एक सेकेंड भाई बाइक से निकलते हैं, कार से जाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बाइक से जाने में आसानी रहती है। पुलिस बहुत ज़्यादा मेरे पीछे पड़ी है भर भर के, उस ऑफिसर ने गाइस हमारी बहुत मदद की थी, अगर वो नहीं होता ना फिर मैं मुसीबत में पड़ सकता था। यार मुझे ना इन्हें मारना पड़ेगा, पुलिस वालों को कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि मेरे पीछे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, सारे के सारे पुलिस FIB मेरे पीछे पड़ी है। वो ऑफिसर पीछे से गाइस वो डॉक्यूमेंट्स लेकर चला जाएगा, वो सबूत ले जाएगा जो डॉन के खिलाफ है। डॉन के लिए गाइस हम लोगों ने अपनी जान खतरे में डाल दी भाई, अब तो वो पक्का हमें पैसे बहुत ज़्यादा देने वाला है। आगे के साइड गाइस एक पार्किंग है, पार्किंग एरिया में चलता हूँ। निकलो यहाँ से, एक बार वो बंदा हेलीकॉप्टर लेकर आ जाना फिर मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर अपन लोग एकदम सेफ है। गाइस मैं पार्किंग एरिया में पहुँच चुका हूँ, ये रहा वो पार्किंग, फटाफट से ऊपर के साइड चलते हैं। पायलट से मेरी बात हुई थी, वहाँ से निकलने के बाद किसी मैं ऊँची जगह पर जाऊँ तो ये पार्किंग एरिया एकदम सही रहेगा, वो मेरे को ट्रैक कर रहा होगा। कि एक सेकेंड, ऊपर जाने के लिए मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा, पुलिस भी गाइज मेरे पीछे आ ही रही है, लगातार आ रही है। बस यार उस बंदे ने हेलीकॉप्टर रेडी रखा हो तो हम लोग तुरंत यहाँ से भाग जाएंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। ओके हम लोग देख रहे हो ना भाई क्या खतरनाक तरीके से रेसर की तरह मैं यहाँ पे बाइक दौड़ा रहा हूँ। गाइज मैं बाइक लेकर आ चुका हूँ। एक सेकेंड, वो रहा वो बंदा, अबे जल्दी से यहाँ पे लैंड करा भाई, टाइम नहीं है मेरे पास। गाइज यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी है, पुलिस से तो मैंने पट लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो बस हेलीकॉप्टर को लैंड करा दो। और वो देखो गाइस वहाँ चेक कर रहे हो तुम, अबे जल्दी 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 भगा भाई तू, फटाफट से भगा। बहुत सही, तुम लोग देख रहे हो ना गाइस हम लोग काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं और अभी आने दो हेलीकॉप्टर वगैरह कुछ भी,
मैं भाई गन से सबको मार दूंगा, कोई नहीं बचने वाला। ओके भाई जितना ज्यादा ऊपर ले जा सकता है ले चल। वहाँ देखो गाइस दो दो चौपर अपने पीछे आ रहे हैं, पुलिस की गाड़ियाँ भी पड़ी होंगी। पर ये काम हम लोगों ने इतनी प्लानिंग से किया ना, किसी ने सोचा नहीं होगा। एंड रात में इसलिए किया था क्योंकि रात में वहाँ पे बहुत कम FIB ऑफिसर होते हैं। मुझे नहीं पता ये काम मैंने कैसे कर लिया, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। पर फाइनली गाइस हम लोग वहाँ से आ चुके हैं, पुलिस FIB पीछे तो आ रही है बट मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा देर तक वो पीछा करेंगे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हैं। ओके ये लेकर कहाँ जा रहा है मेरे को नहीं पता, बस भाई कैसे भी करके तू पुलिस से पीछा छुड़ा दे। वो देखो गाइस पुलिस का हेलीकॉप्टर आ रहा है। अब एक काम कर भाई, जितना ज़्यादा ऊपर जा सकता है जा यार। ओके तो गाइस ये बंदा बोल रहा है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं ऊपर लेकर चलता हूँ, उसके बाद तू जंप मार देना, हेलीकॉप्टर के अंदर ही पैराशूट है, पैराशूट लेकर। ओके तो ठीक है मैं एक काम करता हूँ भाई, ये टाइम सही रहेगा, मैं भी जंप मार देता हूँ, तू भी जा। बहुत सही। तो गाइस अभी मैंने फाइनली यहाँ से जंप मार दिया है, अपना काम हो चुका है। सामने मेरे को कार्निवल नज़र आ रहा है, कार्निवल नहीं है गाइस यहाँ पर पैराडाइज होटल है ना, मैं वहीं चलता हूँ, वहीं चलते हैं फटाफट से। कि बहुत सही गाइस, अभी मुझे नहीं लगता कि मेरे पीछे पुलिस आ रही है, मुझे बस ये मास्क फेंकना पड़ेगा जो मास्क मैंने पहना है। एंड वो बंदा हेलीकॉप्टर लेकर जा चुका है, उसने भी काफ़ी सही टाइमिंग दिखाई यार, काफ़ी सही बंदा था, एकदम सही टाइम पर हेलीकॉप्टर लेकर आ गया और हम लोग वहाँ से बच के आ चुके हैं। गाइस हम लोगों ने डॉन का काम कर दिया, पहले काम करता हूँ, मैं नीचे चलता हूँ फिर डॉन को कॉल लगाऊंगा। कि बहुत सही, एक सेकंड गाइस यहाँ पैराडाइज होटल नहीं है, बीच के साइड ही आए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम यहाँ पुलिस तो नहीं होगी। मैं काम करता हूँ और नीचे के साइड चलता हूँ, बहुत सही, एकदम सेफ लैंडिंग करने वाला हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सही, तुम लोग यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ पर लोग इंजॉय कर रहे हो। भाई मेरा पैर स्लिप हो गया बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी गाइस डॉन को कॉल लगाते हैं एंड डॉन को बोलता हूँ कि भाई तेरा काम हो चुका है। तो अभी मैंने यार डॉन को कॉल किया था और गाइस फाइनली अभी मेरी उससे बातचीत हो गई। डॉन बोल रहा है कि भाई तूने मेरी जान बचा ली, तूने ऐसा काम किया है जो भाई मैं कभी भूल नहीं सकता। मैंने बोला कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने अपनी जान खतरे में डाली सिर्फ आपके लिए, अगर आप नहीं होते ना तो मैं ये काम कभी नहीं करता। बाकी डॉन ने मेरे को बोला है कि भाई तू कुछ दिनों के लिए बस अंडरग्राउंड हो जा, किसी के हाथ मत लगना, एक हफ्ते के अंदर डॉन आ जाएगा, उसके बाद बोल रहा है कि तुझे जितना पैसा चाहिए तू मेरे से मांग लेना। मैं यही तो चाहता था कि गाइस मेरे को बहुत सारा पैसा मिल जाए, अभी डॉन मेरे को पैसा दे देगा। बाकी मेरे को ना सुबह होने तक का यही इंतज़ार करना पड़ेगा गाइस, सुबह होने तक मैं कहीं नहीं जा सकता क्योंकि हाईवे से मैंने अभी भी पुलिस की गाड़ियां जाते हुए देखी है, सायरन की आवाज़ आ रही थी, मतलब वो अभी भी भाई ढूंढ रहे हैं मेरे को। बाकी मास्क वगैरह मैंने निकाल के पानी के अंदर डाल दिया। एंड आसपास अगर कोई कपड़ों की शॉप होगी ना तो मैं कपड़े वगैरह भी चेंज कर लूँगा, ये सूट मेरे को निकालना पड़ेगा। बाकी एक वीक के बाद डॉन आएगा, फिर अपने को बहुत पैसे मिल जाएंगे, अब अमीर बन चुके हैं गाइस अपन लोग। बाकी चलो ठीक है गाइस, इस वाले वीडियो को अपन लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को मज़ा आया, अगर मज़ा आया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके यार जरूर बताना आप लोग को वीडियो कैसा लगा। बाकी मैं आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।